मूवी का स्टार्ट एक किंगडम से होता है जहां बहुत दुआओं के बाद किंग डेविड और क्वीन वायलेट के घर बेटी पैदा होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और आसपास के सब किंगडम्स विचेस और फेरीज को अपनी इस खुशी में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं, पर एक विच को भूल जाते हैं। सब बहुत खुशी और दिल से डेविड और वायलेट की इन्विटेशन पे वहाँ पहुँचते हैं। फेरीज और विचेस प्रिंसेस डॉन को गिफ्ट्स और विशेस दे रही होती है, तभी वो इविल विच वहाँ पहुँच जाती है। किंग और क्वीन बहुत परेशान हो जाते हैं। वो उसे समझाने की ट्राई भी करते हैं कि उन्होंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, पर वो विच किसी की कोई बात नहीं सुनती और प्रिंसेस डॉन को कर्ज दे देती है। वो कहती है प्रिंसेस के 16 इयर्स के होते ही उसकी डेथ हो जाएगी। ये देख अच्छी विचेस उसे कहती है कि वो ऐसे इसे डॉन की लाइफ खराब नहीं करने देंगी, इसीलिए वो डॉन को गिफ्ट देती है कि वो मरेगी नहीं बल्कि उसे एक नीडल चुभेगी और वो एक लंबी और गहरी नींद में सो जाएगी, तब तक जब तक कि उसे ट्रू लव किस नहीं मिल जाती है। सीन 16 साल बाद पे शिफ्ट होते हैं जहां डॉन बड़ी हो चुकी है। उसके फादर ने उसे सेफ रखने के लिए किंगडम के चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी हैं। अब बस आखिरी साल है और सबसे परेशानी वाला दिन। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो डॉन हमेशा के लिए इस घर से फ्री हो जाएगी। डेविड डॉन को घर से बाहर नहीं निकलने देता था क्योंकि वो अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देना चाहता। डॉन की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, वो फाइनली घर से बाहर निकलती है। वहाँ एक हैंडसम सा लड़का उसे डांस के लिए ले जाता है, फिर मैनिपुलेट करता अपने साथ अकेले में ले जाता है। डॉन को लगता है कि अब कर्ज खत्म हो चुका है, इसीलिए वो उसकी बातों में आ जाती है। वो लड़का डॉन को एक ड्रेस गिफ्ट करता है जो डॉन को बहुत पसंद आता है। डॉन उससे पूछती है कि उसने ये ड्रेस कैसे बनाया है। वो लड़का डॉन को एक नीडल दिखाता है और उसे टच करने को कहता है। डॉन ना समझी में नीडल को टच भी कर लेती है, जिसके फौरन बाद वो बेहोश हो जाती है, यानी गहरी नींद में सो जाती है। हम पे रिवील होता है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि विच थी जो रूप बदल के ये मेक श्योर करने आई थी कि उसका कर्ज पूरा हो जाए। फुल मून होने की वजह से किंगडम के बाकी लोग भी प्रिंसेस के पीछे पीछे गहरी नींद में चले जाते हैं। विच डॉन के बाद अब उसके पेरेंट्स पे अटैक करने जाती है, पर अच्छी विचेस ने उन्हें भी अपने मैजिक से प्रोटेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से वो विच उन्हें कुछ नहीं कर पाती है। सीन 100 साल बाद प्रिंस जेसन पे शिफ्ट होते हैं जो बैरो नामी लड़के को टॉर्चर कर रहा होता है। जेसन एक बहुत ही छोटे से ग्रुप के साथ ट्रैवल करता नजर आता है, जिसमें से उसका एक आदमी बैरो का ख्याल भी रखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैरो एग्स जमा कर रहा होता है, तभी उसे कुछ नोट्स मिलते हैं। वो नोट्स कर्ज का शिकार होने से पहले डॉन ने लिखे थे। बैरो को पढ़ना आता था, इसीलिए वो नोट्स पढ़ लेता है। उन नोट्स की मदद से उसे डॉन के किंगडम का मैप मिल जाता है। ओल्ड मैन बैरो को बताता है कि ये ऐसे किंगडम का मैप है जिसकी प्रिंसेस पे कर्ज है और वो 100 साल से सिर्फ सो ही रही है। आज तक जो भी वहाँ गया है कभी जिंदा वापस नहीं आया। उस प्रिंसेस को बस एक साफ दिल का प्रिंस ही किस करके उठा सकता है। उतनी देर में जेसन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनता, उसे बस एक और किंगडम अपने कब्जे में करने का लालच होने लग जाता है, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ डॉन के किंगडम के लिए निकल जाता है। किंगडम तक पहुंचने के लिए पहले इन सबको एक रिवर क्रॉस करना था। वहां इन्हें एक बोट भी मिलती है जिस पर चढ़ के ये सब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाते ही इन्हें पानी में कुछ हिलता महसूस होता है, फिर अचानक पानी में से एक जायंट बीस्ट निकल आता है जो इनमें से एक आदमी को खा लेता है। सब बहुत डर जाते हैं और बहुत मुश्किल से उस बीस्ट से बचते हुए कैसल तक पहुंचते हैं। वहां सब बैरो को इल्जाम देना शुरू हो जाते हैं, जबकि उसने तो मना भी किया था कि यहाँ ना आए। जेसन इस लड़ाई को रोके कैसल के अंदर जाने का फैसला करता है। जेसन कहता है कि अब जब वो लोग यहाँ पहुंच ही चुके हैं तो यहाँ से सारा ट्रेजर और प्रिंसेस को लेके ही जाएंगे। जब ये लोग कैसल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई फोर्स शील्ड इन्हें ऐसा करने से रोक रही हो। वो सब रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। तभी बैरो को कैसल की एक विंडो खुली हुई नजर आती है। जब वो क्लाइम करता वहाँ जाता है तो वो एक खाली रूम होता है। रात उन्हें उसी रूम में एक लड़की न्यूट की आवाज आती है जो बैरो से कहती है कि ये जगह खतरे से भरी हुई है, इन्हें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। वो इविल विच सब पे नजर रखे हुए है, वो सबको मार डालेगी। सुबह अब जब ये सब अंदर जाने का रास्ता
फिर ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें ये करते ईविल विच अपने क्रिस्टल बॉल से देख लेती है। इसीलिए गुस्से में आके वहाँ की सब डेड बॉडीज को जिंदा करके इनके पीछे भेज देती है। डेड बॉडीज के आने पर ये सब उनसे फाइट करने में लग जाते हैं। इस सब में उस ओल्ड मैन की डेथ भी हो जाती है जो बैरो को प्रोटेक्ट करता था। फिर इन लोगों को ऐसे मुश्किल में देख न्यूट बैरो के मनाने पर इन्हें कैसल के अंदर जाने का रास्ता बता देती है। पर कैसल के अंदर जाने के लिए भी इन्हें कब्रिस्तान से होके जाना था। वहाँ भी इन लोगों की डेड बॉडीज से एक बहुत ही लंबी फाइट होती है जिसे ये सब आखिर में जीत जाते हैं और फाइनली कैसल के गेट तक पहुँच जाते हैं। ये देख ईविल विच और गुस्से में आ जाती है। वो अब उनके लिए और खतरे पैदा करने की प्लानिंग करने लग जाती है। कैसल के अंदर जाने पर ये देखते हैं कि वहाँ का हर बंदा सोया हुआ है। जेसन तो ये देख खुश हो जाता है कि अब वो आसानी से खजाना लिए यहाँ से जा सकता है। पर वो क्या जानता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। आगे बढ़ने पर एक अजीब सा क्रिएचर इन पे अटैक करता है और जेसन को अपने साथ ले जाता है। ये देख सब डर जाते हैं और वापस जाने का सोचते हैं, लेकिन अपने प्रिंस को छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए फिर से बैरो पे गुस्सा होने लग जाते हैं। उसे ही अब इस सब को ठीक करने को कहते हैं। आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से न्यूट मिल जाती है जो इन्हें बताती है कि ये क्रिएचर बहुत डेंजरस है और ये चाह के भी उसे नहीं हरा सकते हैं। तभी वो क्रिएचर फिर से वहाँ आ जाता है और इनमें से एक को मार गिराता है। सीन्स ईविल विच पे शिफ्ट होते हैं जो जेसन को होस्टेज बनाए बैठी है। उसे जेसन पे बहुत गुस्सा है क्योंकि उसके एल्डर्स ने विच के हस्बैंड को मार दिया था। यही नहीं, उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को भी मार दिया था। अब वो इस बात का बदला जेसन से लेना चाहती है। अब जेसन की टीम में बस दो लोग बाकी बचते हैं, वो बैरो और ग्रूनर हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या करना चाहिए, वो अपने प्रिंस को कैसे बचाएंगे। बैरो ग्रूनर से कहता है कि हो ना हो जेसन विच के कब्जे में है, इसीलिए उन्हें सीधा वहाँ जाके अपने प्रिंस को बचाना चाहिए। दोनों तो वहाँ अपने प्रिंस को बचाने पहुँचते हैं, पर अब विच से तो कुछ नहीं छुप सकता है। वो उन दोनों पे अटैक करवाते उन्हें भी कब्जे में कर लेती है। वो दोनों तो अपने प्रिंस से लॉयल्टी की वजह से उसे बचाने वहाँ पहुँचे थे, पर वो क्या जानते थे कि उनका प्रिंस एक लालची और खुद गर्ज इंसान है। जेसन तो पहले से ही विच से अपनी जान का सौदा कर चुका था। ईविल विच खुद तो डॉन को मार नहीं सकती थी क्योंकि अच्छी विचेस ने उसे अपने मैजिक से प्रोटेक्ट करके रखा था, इसीलिए वो जेसन को ये करने के लिए मना लेती है। इसके बदले विच उसे वादा करती है कि वो उसकी जान बख्श देगी और उसे अपने साथ इस किंगडम का किंग भी बना लेगी। अब विच और जेसन बैरो और ग्रूनर को वहीं टाई अप किए डॉन को मारने निकल जाते हैं। बैरो जेसन को रोकने और समझाने की बहुत ट्राई करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे विच की बातों में नहीं आना चाहिए, वो अपना काम निकलवा के इसे मार देगी। पर जब आंखों और दिमाग पे लालच की पट्टी बंधी हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जेसन कुछ भी सुने बगैर विच के साथ डॉन को मारने निकल जाता है। बैरो जेसन को रोकने उसके पीछे जाता है, जहाँ जेसन बैरो को बताता है कि अगर वो विच की बात नहीं मानेगा तो विच उल्टा उसे मार देगी, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी डॉन को मारना होगा। तभी वहाँ वो अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। दोनों उस क्रिएचर से फाइट करते उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ जेसन बैरो पे रिवील करता है कि बैरो एक प्रिंस है। बहुत साल पहले जेसन के एंसेस्टर ने उसके एंसेस्टर से धोखे से सारी किंगडम ले ली थी। अब जो कुछ भी जेसन के पास है वो दरअसल बैरो का है। सीन्स डॉन के रूम में शिफ्ट होते हैं। वे जेसन को वहाँ ले जाके उसे डॉन को मारने को कहती है। जेसन उसे मारने के बजाय किस करके उठाने की ट्राई करता है, पर जैसा कि हम सब जानते हैं वो एक अच्छा प्रिंस बिल्कुल नहीं है। साफ दिल का होना तो दूर की बात है, इसीलिए डॉन नहीं उठती है। जेसन का ऐसे विच को धोखा देना जेसन के लिए मुश्किलें पैदा कर देता है और विच बहुत ही बेदर्दी से जेसन को मार देती है। इसके बाद वहाँ ग्रूनर आता है। विच उसे भी सेम ऑफर करती है। ग्रूनर डॉन को चेयर पे बिठाता है। ऐसा लगता है कि वो उसे मारने लगा है, पर वो डॉन के बजाय विच को मारने की ट्राई करता है। अब विच ऐसे कैसे मर सकती है, उल्टा वो ग्रूनर को उसका सर बॉडी से निकाल के बेरहमी से मार डालती है। आखिर में मूवी का हीरो और साफ दिल का प्रिंस यानी बैरो एंट्री देता है, जिससे फाइट करने के लिए विच वहाँ रूम में सब मुर्दों को जिंदा कर देती है। इन सब को ऐसे डिस्ट्रैक्ट देख न्यू डॉन को उठा के रूम से बाहर ले जाती है। बैरो को ऐसे मेंटली टॉर्चर करने के बाद अचानक
विच देखती है कि डॉन वहाँ से गायब है। जब वो उसे ढूंढते बाहर जाती है तो न्यूट को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो बैरो को ब्लैकमेल करती है वो डॉन को मार दे वरना विच न्यूट को मार देगी। बैरो ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, इसीलिए विच उसे ट्रिक करती है कि इतने सालों के बाद भी वो आज तक इस किंगडम को रूल नहीं कर पाई है, इसीलिए वो हार मानती है और बैरो डॉन को किस करके उठा सकता है। बैरो जब डॉन की तरफ बढ़ता है तो विच उसे मैजिक से बेहोश कर देती है और वहाँ भी सब मुर्दों को जिंदा कर देती है। विच को लगता है कि वो जीत गई, पर बैरो मरा नहीं था। वो विच की नजरों से बचते हुए डॉन की तरफ बढ़ के उसे किस कर देता है। बैरो के एक साफ दिल प्रिंस होने की वजह से डॉन नींद से उठ जाती है। उसके उठते ही किंगडम के बाकी लोग भी नींद से जाग जाते हैं और चीजें नॉर्मल होने लग जाती हैं। विच की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो हार जाती है। सीन्स वन ईयर बाद पे शिफ्ट होते हैं, जहां बैरो और डॉन बहुत ही खुशी से साथ रह रहे हैं और किंगडम को रूल भी कर रहे हैं। बैरो और डॉन का बेटा हुआ था और वो फिर से सेलिब्रेशन कर रहे थे। सब किंगडम से लोग उनके बेटे को ब्लेसिंग्स देने आए थे। यानी मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।